एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। आज के हमारे इस बूस्टर शॉट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ कैन आई डिफाइन एन ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस, हाउ कैन आई डिफाइन अ रिडक्शन टेकिंग प्लेस। वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन आर प्रीवियस बूस्टर शॉट। तो अगर किसी को पता लगाना है, मतलब अगर किसी को उस चीज़ के बारे में पढ़ना है, प्लीज़ गो थ्रू दैट बूस्टर शॉट। उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इट्स अ 30 मिनट शॉट, पर आपको सब समझ में आ जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन। एंड देन वॉच दिस वीडियो। अगर डायरेक्टली आप इसको देखेंगे तो शायद आपको बीच में किसी न किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो सकती है। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम बिना किसी भी प्रकार की देरी के हमारा बूस्टर शॉट, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, हर एक क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि विच हैज बीन आस्क्ड इन आर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट अस गो थ्रू इट जल्दी से। सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज। सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रही हूँ, मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूँ। अब व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस है, रिडक्शन की भी दो डेफिनेशंस है। हर एक की डेफिनेशन में ऑक्सीजन भी आता है और हर एक की डेफिनेशन में हाइड्रोजन भी आता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, जो रिवाइज नहीं करेंगे, वो ना ये एडिशन वर्ड देखते ही सोचेंगे कि यार एडिशन, एडिशन साउंड्स लाइक ऑक्सीडेशन, मतलब जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ना उन्होंने सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ी हुई होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जैसे ही एडिशन वर्ड देखेंगे, उनका दिमाग जाएगा ऑक्सीडेशन पे एंड दे विल बी थिंकिंग कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन, विच इज ओके। मतलब अगर क्लैरिटी नहीं है तो दिमाग जा सकता है, बट अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करी है देन वी नो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारा रिडक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर लिखा रहता एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीडेशन वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे लिखा रहता रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन रिडक्शन वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, की वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो भाई जब हाइड्रोजन के एडिशन की बात हो रही है तो वो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? अगर किसी को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी में बेटा नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और हमें बदले में मिल रहा है वाटर। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, और रिएक्शन हमें यहाँ पर गिवन है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो वाटर के लिए इधर एल होना चाहिए था, ये यहाँ पे आई गलत लिखा, इधर एल होना चाहिए था। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। इधर ऑक्सीजन था, इधर हाइड्रोजन था। पहले ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, तो मैं कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का गेन कर लिया है, तब जाके H2O बन रहा है। मतलब आपके हिसाब से कैन आई टॉक दिस वे और नॉट, आप मुझे बताइए। मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये डिस्कशन यहाँ पर अभी ओपन है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट डू यू पीपल थिंक, कि क्या ये, एक सेकेंड मैं ऐसे ना लगा देती हूँ फुल क्लैरिटी के साथ, कि व्हाट डू यू पीपल थिंक। हाँ अब ठीक है। सो यस, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्लियर नहीं, इसलिए मैं उसको क्लियर लगा रही थी। हाँ जी, तो उसमें ऑक्सीजन का मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, अगर टेक्निकली स्पीकिंग, तो ऑक्सीजन का, सॉरी, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है अगर टेक्निकली बात करी जाए तो। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे
ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा है एंड तब जाके H2O बन रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन का रिडक्शन. बट अगर मैं देखूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो O2 का रिडक्शन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रही हूँ. O2 है प्लस में H2 है विच विल गिव मी H2O. ओके, एक मिनट. सो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था? नो मैम. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है? यस मैम. तो मैं कह सकती हूं कि ऑक्सीजन ने गेन ऑफ हाइड्रोजन शो किया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. सो आई कैन से कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या उसके पास ऑक्सीजन था? नो मैम, इट डिड नॉट हैव ऑक्सीजन. बट जब वो यहाँ पर गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो मैं कह सकती हूँ कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो टेक्निकली स्पीकिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. तो 1, 2 एंड 4 सारी की सारी चीजें हो रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस में ना बेटा आपको डायरेक्टली कभी भी नहीं गिवन होगा कि ये चीज हो रही है बताओ, या डायरेक्ट आपको लग रहा है कि Mg+O2 वाला एग्जाम्पल दे देंगे आपको. ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एज जो हमारे NCERTs में गिवन है. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. सो एक सेकंड, गिर जाता अभी. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. सो इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? कि यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन डिड नॉट हैव हाइड्रोजन विद इट, बट नाउ ऑक्सीजन हैज हाइड्रोजन विद इट. ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तभी मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. हाइड्रोजन डिड नॉट हैव ऑक्सीजन विद इट, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तभी मैं कह रही हूं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी. अंडरस्टूड? चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की. नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 विल गिव अस H2O एंड कॉपर. H2O प्लस में कॉपर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. लेट अस ब्रेक इट एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. जब मैं कॉपर ऑक्साइड से यहाँ गई, मुझे मिला कॉपर. कॉपर ऑक्साइड हैड ऑक्सीजन हियर, नाउ कॉपर डज नॉट हैव ऑक्सीजन हियर. तो मैं कह सकती हूँ कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बिकॉज पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है. सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन को मैं कह सकती हूँ कि रिडक्शन हो रहा है ना? कह सकती हूँ मैं रिडक्शन हो रहा है. हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, पर जब ये यहाँ से यहाँ गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो सिंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें हो रही हैं, आई कैन कॉल दिस रिएक्शन अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा करेक्ट आंसर. आप लोगों ने पहले ही अज्यूम कर लिया होगा, बट दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स में मिक्स क्वेश्चन आएंगे. सो प्लीज थिंक वाइजली. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें मैं क्या कहूँ कि रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है या कॉपर का रिडक्शन हो रहा है? बिकॉज स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी आ सकती थी कि इन दी फॉलोइंग रिएक्शन
ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू यू पीपल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से किस चीज का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर कॉपर बन रहा है या कॉपर का रिडक्शन होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, क्या चीज हो रही है. कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपको हमेशा बेटा रिएक्टेंट्स की साइड देखना है. ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. कभी भी पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हो रहा है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यू पीपल जस्ट हैव टू लुक एट द रिएक्टेंट्स. यहाँ पे जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, दैट कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होने के बाद ही तो मुझे कॉपर मिला है. सिमिलरली H2 हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने के बाद ही तो मुझे H2O मिला है, आई डिड नॉट हैव H2O पहले ना. H2 अंडरगोड सॉरी अंडरगोज अंडरगोड क्या होता है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन कि मुझे H2O मिल सके. सो कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन एंड हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गेट मी व्हाट आई वांट. ओके, अब हम बात करते हैं सॉरी इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. आई मेड यू पीपल राइट अ निमोनिक डोरा रॉक्स विच मेंट कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि कॉपर ऑक्साइड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू पीपल कि ये हुआ कैसे, कि मतलब ये तो हमने ट्रिक लगा दी तो हमसे हो गया, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. नाउ प्लीज एवरीबडी लिसन टू मी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इतना वी हैव अंडरस्टूड मैम, बट ये रिडक्शन किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है ये रिडक्शन. मैम लॉस ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है रिडक्शन, मतलब कॉपर ऑक्साइड का कोई ऑक्सीजन ले रहा है तभी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो पा रहा है, तभी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो पा रहा है. तो कौन ले रहा है कॉपर ऑक्साइड का ये ऑक्सीजन, कौन ले रहा है, मैम H2 ले रहा है. H2 क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन लेके H2O बना लेगा. तो अगर H2 बोले कि नहीं कॉपर ऑक्साइड मुझे नहीं चाहिए आपका ऑक्सीजन, तो क्या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो पाता, नो मैम. तो इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट वो चीजें होती हैं जो रिडक्शन में हेल्प कर रही है. तो कॉपर ऑक्साइड की कौन हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, हमारा H2. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी H2. सिमिलरली H2 किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन किस प्रकार हो पा रहा है, मैम H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन इसको मिला कहाँ से, किसने दिया ये ऑक्सीजन, आसमान से थोड़ी ना पड़ा है, किसने दिया ये ऑक्सीजन, मैम कॉपर ऑक्साइड ने दिया अपना ऑक्सीजन. सो कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन को. अगर कॉपर ऑक्साइड मना कर दे, कॉपर ऑक्साइड बोले नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा तेरे को अपना ऑक्सीजन, तो क्या H2 का ऑक्सीडेशन हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. तो ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, CuO. सो दैट इज व्हाई कॉपर ऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर. इसमें पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट वी डू नॉट नो ना एग्जाम में किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा. तो आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसमें दोनों चीजें निकालिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, है ना. ज्यादा प्रैक्टिस करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, पैसे थोड़ी ना कट जाएंगे. आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं. अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको चार ऑप्शंस गिवन है और इनमें से कौन सा इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखते हैं फिर अब हर एक चीज को देखते हैं. ओके, लेट्स लुक एट एवरी थिंग, लेट्स लुक एट एवरी एग्जाम्पल. सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है,
और ये एच हाइड्रोजन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हैड टू ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नाउ इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड विद जस्ट वन ऑक्सीजन। सो मैं कह सकती हूँ, मैंने इसको बाहर लिख देती हूँ, रुको जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल, मुझे प्रॉपर इसको लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड ऑल ऑफ यू जस्ट हैव थोड़ा सा पेशेंस। CO plus H2O. So if we see what is happening, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, वॉट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। मैम रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। एच टू के पास ऑक्सीजन नहीं था जब ये यहां से यहां गया, तो मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मैम? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली इन दिस एंटायर रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ ऑफ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, सो इसलिए इसको मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन कह सकती हूँ। अच्छा आप जल्दी से एक बार मुझे बताइए, एक मिनट का समय ले लीजिए बेशक, मुझे बताइए कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। एक सेकंड, मेरा स्टॉपर स्टार्ट कर देती हूँ, स्टॉप वॉच, एंड यस योर टाइम हैज बिगन। गाइज गाइज जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और इनमें से कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के फटाफट से बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल देरी पसंद ही नहीं है। और अगर मेरी आवाज बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो मैं धीरे भी बात कर लूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत हो। अब एक आधा कोई बोल देगा मैडम आप चुप ही हो जाओ ना, ऐसे तो नहीं है ना, फिर मैं चुप हो जाऊंगी तो पढ़ाएगा कौन फिर? अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके लेट्स सी कि मैम ऑब्वियस ही बात है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का। तो यहाँ आ जाएगा H2। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है जिसका रिडक्शन हो रहा होता है? रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। आगे आंसर ओके चलिए अगला देखते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। देखो ना पहले CuSO4 में कॉपर था, अब CuSO4 में Zn है। वेरी सॉरी बेटा, थोड़ी सी ठंड लग गई है हमें। अब यहां पर Zn है, तो व्हाट इज हैपनिंग? ये तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया मैम, ये तो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, इसमें किसी भी तरीके की ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही है। और मान के भी चले तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि Zn के पास आ रहा है ये, बाकी किसी भी चीज के पास कुछ भी नहीं आ रहा है। सो अगर टेक्निकली हम देखें अभी के लिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? अब एक बारी ना सीधा डी वाले ऑप्शन पे आते हैं। सी वाला है रिडॉक्स रिएक्शन, मैं आपको लिख के समझाऊंगी कैसे है, पहले एक बारी डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन तो हमारी एनसीईआरटी में है तो ये तो हम सॉल्व करेंगे ही। लेट्स लुक एट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है कि सीएल के पास ना पहले हाइड्रोजन था, जब सीएल यहां पर गया उसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इट डिड नॉट हैव हाइड्रोजन हेयर, ठीक है? तो मैं कह सकती हूँ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे, अब यहाँ पे किस तरीके से मतलब गेन होता हुआ दिख रहा है आपको? नाउ NaOH में जो आपका OH था उधर सिर्फ एक हाइड्रोजन था, जब हम यहाँ से यहाँ गए यहाँ दो हाइड्रोजन आ गए, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें ही हो रही हैं। वी जस्ट हैव टू फोकस कि देखो यार इधर NaOH के पास एक H था, जब हम इधर से इधर गए इसके पास दो H आ गई, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। गेन ऑफ हाइड्रोजन को मैं क्या कहती हूँ? रिडक्शन कहती हूँ। तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? अब मैं एक बारी ना ऑप्शन सी की बात करती हूँ, बहुत ही प्यारी इक्वेशन है
कई बार आंसर तो पता चलेगा ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैं बात करती हूँ ऑप्शन सी की, बहुत ही प्यारा सवाल है, कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में भी आया है, तो इसको थोड़ा विस्तार से, प्यार से, आराम से डिस्कस करेंगे हम, बिना किसी भी जल्दबाजी के इसको ना प्यार से ट्रीट करेंगे, थोड़ा प्रेम से। अब प्रेम से किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। देखिए जी, मेरे पास है MnO2 प्लस में 4HCl, उसके बाद फिर आ जाएगा MnCl2, फिर आ जाएगा Cl2, फिर आ जाएगा H2O। ठीक है, मैंने आगे 2 नहीं लिखा, एक सेकंड मुझे को देखने दो, दिख रहा है यानी आपको ढंग से दिख रहा है? हाँ जी मैम, दिख ही रहा है, काम चलाओ तो दिख रहा है। चलिए अब एक बार आप MnO2 के ऊपर नजर डालिए, Mn के पास ऑक्सीजन है यहाँ पे? यस मैम, यहाँ पर Mn के पास ऑक्सीजन है? नो मैम। तो मैं कह सकती हूँ कि Mn जब यहाँ से यहाँ पर गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि रिडक्शन हुआ। अंडरस्टूड? यस मैम। HCl के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन है, बट जब ये यहाँ से यहाँ गया लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। यस मैम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं मैम क्या? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ना HCl का ऑक्सीडेशन मुझे दो तरीके से होता हुआ दिख रहा है। पहला तरीका तो कैसे हुआ, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन से। दूसरा तरीका क्या है, HCl के पास अभी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के पास अभी क्लोरीन है। रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी ऑक्सीजन इन इट, बट जब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली। एंड मैं कह सकती हूँ कि भाई यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, बिकॉज अर्लियर हाइड्रोजन डिड नॉट हैव ऑक्सीजन, नाउ हाइड्रोजन हैज ऑक्सीजन, सो आई कैन से दैट हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली। तो इस तरीके से भी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सो योर सी इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, ए इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, डी इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, बी इज नॉट गोइंग टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सिट क्वाइट फॉर अ मिनट, और आप लोगों का 1 मिनट शुरू होता है। प्रॉपर टाइमिंग के साथ शुरू कराना पड़ता है ना। मैं थोड़ी प्रॉपर एडजस्टमेंट करी थी चेयर की, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से दिख सकूं। डन। आई नो 1 मिनट नहीं हुआ है, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम लगता है लिखने में। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ वाइट डार्जलिंग फ्लेम, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट सॉलिड, दिस वाइट सॉलिड डिसॉल्व्स इन वॉटर टू गिव अ सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अबव प्रोसेस। सच एन ऑसम क्वेश्चन, सच एन ऑसम क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी अ वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना आपका, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इस वाइट पाउडर को देख, लिख रखा है ना, दिस वाइट सॉलिड डिजॉल्व्स इन वाटर, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं डालूंगी बेटा पानी के अंदर। ठीक है, जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी ना, आपको पता है क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका एक बेस, तभी तो ये बेटा
रेड लिटमस को ब्लू कर पा रहा है? रे बबलू, रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है, यानी कि ये आपका क्या बना, एक बेस बना। ये क्वेश्चन ना आपके दो दो चैप्टर से मिलके बना है। इसमें ये भी पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में एडिशनली ये पूछा जा सकता था कि जो मतलब उस पाउडर को पानी में डालने के बाद जो आपका कंपाउंड बना है उसका नेचर बताइए आप, तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देखकर ही आप बता सकते थे कि वो एक बेस होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में तो मुझसे पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में तो मुझसे पूछा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अबव प्रोसेस। अब यार देखने को तो बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, और देखा जाए तो आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे। पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन थी? नो मैम। प्रोडक्ट वाली साइड में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गई? यस मैम। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसका करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता बोर्ड वालों ने कौन सा इस चीज का सही आंसर दिया था, आई रीचेक इट एक बारी, क्योंकि सिंस इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आंसर्स नहीं पढ़े थे इनके, ठीक है। मैं आंसर्स पढ़ती तो फिर अनफेयर होता ना आप लोगों को सॉल्व करवाना, सो एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लूंगी। बट इसके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट, बिकॉज एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है भाई। दिस वाइट सॉलिड गिव्स अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अबव प्रोसेस। आई डोंट नो ये कौन सी प्रोसेस का पूछ रहे हैं, अगर ये इस प्रोसेस का पूछ रहे हैं देन इट इज प्योरली आपका कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो दोनों ही आपकी करेक्ट हो सकती है बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्वेश्चंस शायद खत्म होते हैं, एक सेकेंड लेट मी चेक। यस, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। सो वी हैव सो फार डन हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चन। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, एंड शायद जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी आप लोगों को, जिसमें हमें एन ई ओ एच और एच सी एल वाले का पता लगाना था, दैट वेदर इज इट गोइंग टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। सो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन अगेन, बिकॉज देर इज अ प्रॉबिबिलिटी कि यही सवाल आप लोगों से वापस से पूछे जाए, ठीक है। सो कृपया करके इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, अच्छे से इन सारे के सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, एंड इफ देर इज एनी क्वेश्चन अदर देन दीज क्वेश्चन भी, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपसे क्लियर नहीं हो रही है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई। इतना भी नहीं मैं डांटती हूँ या इतना भी नहीं मैं खराब पढ़ाती हूँ कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको, ऐसी चीज़ है। 10th क्लास मुश्किल नहीं है, ना मेरे लिए समझाना मुश्किल है, ना आपके लिए समझना मुश्किल है, ठीक है। थोड़ी कोशिश आप कीजिए, थोड़ी कोशिश मैं करूंगी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है क्लास में, अगर क्लास को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगी उस चीज को इम्प्रूव करने की, बट जब तक मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे कर सकती हूँ चीजें ठीक, ओके। चलिए, सो बोथ ऑफ अस हैव टू सपोर्ट ईच अदर, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप हमें सपोर्ट कीजिए। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपनी इस वीडियो, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा मैडम बढ़िया बढ़िया पढ़ाती है हमारी। कमेंट सेक्शन में भी अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से आप लोगों की क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, फटाक से आ जाना, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, बस अपने बारे में सोचना है और आ जाना है, ठीक है। अगली जो आपकी वीडियो है वो मैं जल्द ही लेकर आती हूँ, टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डिस्कसिंग पीरियोडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज कुछ हमारे स्टेट बोर्ड्स के भी बच्चे हैं जिन्हें डिफिकल्टीज हो रही हैं, सो आई विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आ जाइएगा, आप वो क्लास देख लीजिएगा और बूस्टर शॉट में चीजें समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ मैं बाकी आप लोगों के लिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट आप कमेंट सेक्शन में डाल सके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
4 and 5. Very good. We did 5 questions आज. Good. Very good. Okay. Bye bye. Final वाला. Bye bye. Bye bye.